जनरल बाजवा की आसफ जरदारी से डील। नवाज शरीफ इमरान खान को क्या कहकर पुकारा करते थे? काफ लीग पीटीआई से कितनी सीटों का मुतालबा कर रही है? खोज न्यूज सनसनीखेज हकायक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अहम जराये का कहना है कि इमरान खान के जनरल बाजवा और आसिफ जरदारी की डील के बयान में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान एहसान फरामोश है। जनरल बाजवा ने इन्हें 2018 का इलेक्शन जितवा कर दिया। जनरल बाजवा का कसूर ये है कि वो गैर सियासी हो गए। इदारों का मुल्की सियासत में किरदार रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। मुझे लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जब दो असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीटीए चेयरमैन ने मजीद कहा कि हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर सरदार अय्याज सादिक ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा इमरान खान को खान साहब कहकर ही पुकारा है। अय्याज सादिक ने कहा कि इंसान गाली देकर नहीं इज्जत देकर मकबूल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ ने इन्हें हमेशा खान साहब कहकर ही पुकारा। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए एटमी धमाके किए। अगर एटमी धमाके न किए होते तो भारत कई बार हमले कर चुका होता। इनका कहना था कि इमरान खान ने दहशतगर्दी रोकने के बजाय मुज़ाकरात की इजाज़त दी जिन्होंने बच्चों को शहीद किया। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ, आपने तालिबान से बात करने का नतीजा देख लिया? या सादिक ने यह भी कहा कि ये 6 अरब रुपए के तोहफे उठा कर ले गए, एक तोहफा डिक्लेयर किया, बाकी सब चोरी कर लिया। इन्होंने कहा कि जो इमरान खान को सिलेक्ट करवा कर इक्तदार में लाए वो जिम्मेदार हैं कि मुल्क का कितना नुकसान किया। इधर मुसद्दिका इत्तला'आत ये भी है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के परवेज लाही ग्रुप के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का सिलसिला नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। लेकिन खोज न्यूज ऐसे हलकों के नाम सामने ले आया है जहाँ जहाँ काफ लीग सीट एडजस्टमेंट चाहती है, लेकिन ताहाल कमेटी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग काफ ने गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, डस्का और हाफिजाबाद की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिश जाहिर की। काफ लीग ने बहावलपुर और चकवाल के हलकों की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। ताहम दोनों जमातों की सीट एडजस्टमेंट कमेटी हतमी नतीजे पर न पहुँच सकी। इन हलकों में मुस्लिम लीग काफ इलेक्शन लड़ना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हलकों में काफ लीग कौमी और सूबाई दोनों हलकों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। 2018 में काफ लीग जहां जहां से जीती वो हलके इन तमाम हलकों के अलावा हैं।